परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। इनसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हम अतीत में कई दफा निकल चुके हैं। हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। निश्चित रूप से सरकार आपकी बढ़ेगी, आपकी बैलेंस सफलता की आपके चरण छूने, सरकार तो बनेगी। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वर पर साकार करते हुए उनकी नीतियों का अनुसरण करेंगे और लोगों की मूलभूत दुनिया पूरी करेंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हरियाणा प्रदेश राष्ट्रीय सतह पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश बन सके। इसलिए इस दो ढाई महीने के अरसे में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करोगे तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। मैं अब तो केवल 14 दिन की पैरोल पे आया, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने जिला वाइज कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रोग्राम बनाया। मैं तो आपसे केवल निवेदन कर सकता हूं, मेहनत आप करोगे और आपकी मेहनत का फल भी आपको ही मिलेगा। स्वार्थ की राजनीति के पक्ष करने हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, तो निश्चित रूप से होगा। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाए। और ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया इस बेचारे को कोई ज्ञान ही नहीं कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे लोगों के काम किए जाते हैं। तजर्बेकार आदमी, हम व्यवहारिक लोग हैं। हमारे यहां जो चीज बेकार हो जाती अगर कोई दुधारू पशु है तो वो दूध नहीं दे रहा, आगे के लिए नई उत्पत्ति ना हो रही, काम कर रहे दूसरे खेत में काम करने वाले पशु किसी कारण नाकारा हो जाए। आदमी भी अगर शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाए काम ना कर सके, हमारी भाषा में हम उसे खट्टर कहा देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हरियाणा का क्या होगा। नाकारा देखे तो काला ही व्यक्ति घट हरियाणा प्रदेश को बेचारे को ज्ञान ही नहीं। इसलिए संज्ञानियों की सरकार से छुटकारा हासिल करने के लिए आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करें ताकि उसको अच्छे फल मिल सके और हम चौधरी देवीलाल जी के स्वर पर सरकार कर सके। इसीलिए थोड़े समय में व्यक्तिगत तौर पर एक एक व्यक्ति से जाकर संपर्क तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिला के स्तर पर आप लोगों को
निमंत्रण दे करके यहाँ बुलाया। मैं भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक एक दिन का मेरा कार्यक्रम लंबा सफर होने की वजह से मैं लेट भी हो सकता, लेट चाहे हो जाऊं, मैं ये वायदे पर जाता जरूर।